गर्मियों में ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनमें पानी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, खनिज तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, सेलेनियम, जिंक, विटामिन्स जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी समूह आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे पदार्थों के विषय में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, जिनसे आप अपने पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाएंगे और गर्मियों से में होने वाली समस्या से दूर रह पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि तरबूज गर्मियों के मौसम में पाए जाने वाला स्वादिष्ट फल है। इसमें लगभग 90% पानी होता है। तरबूज हमारे शरीर को अच्छी तरह से हाइड्रेट बनाए रखने में मदद करता है। हमारे शरीर में हाइड्रेट रहने से हमारी मेमोरी तेज रहती है और हमारी मूड स्थिर रहता है। इसके अलावा तरबूज हमें विटामिन ए, विटामिन सी और लाइकोपिन सहित बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, जिससे मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, उच्च चाप, आँखों में होने वाली समस्याएं और गठिया की समस्याओं से दूर रखता है। गर्मियों के मौसम में खीरा बहुत अच्छा आहार है। इसमें अच्छी मात्रा में पानी एवं फाइबर होता है, जो शरीर को शांत और ताज़ा रखने में मदद करता है। ककड़ी में पाए जाने वाले तत्व हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। गर्मियों में ककड़ी का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। यह गर्मियों के मौसम के कारण खराब पाचन क्रिया को सही करने में मदद दिलाता है। गर्मियों के दौरान प्रतिदिन खीरे की सलाद, सूप या रस का सेवन करें। गर्मियों के दिनों में छाछ का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। यह थकान का सामना करने के लिए बहुत शानदार होता है। छाछ में इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोबायोटिक और बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। एक गिलास छाछ पीने से आपके शरीर को तुरंत हाइड्रेट करने में मदद करता है। मसालेदार भोजन या गर्मी के कारण पेट में गैस की समस्या को शांत करने में भी मदद करता है। अपने भोजन के साथ छाछ का सेवन करने से पसीना, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, सिरदर्द की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके साथ साथ छाछ त्वचा के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो गर्मियों में इसका सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। गर्मियों के मौसम में आम खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में ऊर्जा दिलाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आप गर्मियों की समस्याओं से बचने के लिए आप पके हुए या कच्चे दोनों रूप में इसे खा सकते हैं। आपके पके हुए आम को नाश्ते में खाएं। इसके गूदे को दूध या दही में मिलाकर स्वादिष्ट स्मूदी बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। साथ साथ आप कच्चे आम को उबाल कर उसके गूदे को निकाल लें और इसमें एक गिलास ठंडा पानी, थोड़ा नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर मिला लें। इसके सेवन से यह गर्मी के और थकावट को दूर करता है। आपको बता दें कि मौसमी रसदार और स्वादिष्ट फल होता है, जो पानी से भरा हुआ होता है। यह गर्मियों में पीने के कारण पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करता है। यह फाइबर, विटामिन सी, तांबा और लोहे का स्रोत भी होता है। यह गर्मी में पाचन संबंधित समस्या को दूर करने में मदद करता है। साथ ही यह काले धब्बे, मुहासे, साथ साथ सूजन के टैन को कम करने में मदद करता है। इसके लिए मौसमी का रस निकाल लें और थोड़ा नमक और चीनी डालकर गर्मी में इसका सेवन कर सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। मौसमी नारियल पानी गर्मियों के दिनों में पीने के कारण पानी की कमी पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण स्वस्थ खाद्य पदार्थ में से एक है। एक गिलास नारियल पानी पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संचारण संरचना को आसानी से बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए गर्मियों में नारियल पानी के साथ हाइड्रेट रहें। फेफड़े, आँख, गुर्दे और रक्त इन सभी समस्याओं के लिए सुबह खाली पेट नारियल पानी पिए। दोस्तों, आपको बता दें कि टमाटर पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। यह शरीर को हाइड्रेट
रखने में मदद करता है। टमाटर में उच्च मात्रा में लाइकोपिन पाया जाता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके साथ साथ पोटेशियम, फोल्ट फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन बी सिक्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई पाया जाता है। आपके आने वाली समस्याओं को दूर करने में टमाटर बहुत ही फायदेमंद है। टमाटर को सलाद, सैंडविच या सूप में डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसका जूस का भी सेवन कर सकते हैं। आप गर्मियों में दही का सेवन भी कर सकते हैं। भोजन में दही स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। आप अपने भोजन में दही का सेवन जरूर करें। गर्मियों में हीट स्ट्रोक के कारण डायरिया एवं पेट संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में दही का सेवन करने से यह चीज आसानी से खत्म हो जाती है। दही में उपलब्ध बैक्टीरिया पेट की स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दही को आप नमकीन या मीठी लस्सी, सब्जियों के रायता आदि के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सत्तू पेट को ठंडा रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें उपस्थित प्रोटीन हमारे पेट को देर तक भरे रखने में मदद करता है। इससे आप अपने हल्के नाश्ते के तौर पर भी ले सकते हैं। आप इसका नमकीन या मीठा शरबत भी बनाकर पी सकते हैं। दोस्तों, आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।